नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। आज जानते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। महाराजगंज के फरिंदा कोतवाली में बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल शख्स को प्राथमिक इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। फरुखाबाद के डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारी कड़ी नजर है, भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में भूमाफियाओं की प्रताड़ना से तंग आकर महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी देने लगी। वहीं पुलिस के समझाने के बाद महिला को किसी तरह से नीचे उतारा गया। इस दौरान टंकी के नीचे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। फिरोजाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां क्राइम ब्रांच ने 2 क्विंटल 26 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। औरैया जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों से दिबियापुर नगर पंचायत में बने एक केमिकल कमरे में अचानक से आग लग गई। फायर की टीम आग पर काबू पाते, इससे पहले लाखों का नुकसान हो गया। फिरोजाबाद की रसूलपुर पुलिस ने चोरी की गाड़ी को काटने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 कटी कार, 3 अन्य कारों के इंजन समेत कई टायर और विंडो बरामद किए हैं। सुल्तानपुर में नवागत शहर अध्यक्ष का जिला कांग्रेस कमेटी में फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद की दक्षिण थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के माल सहित अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। फरुखाबाद के फतेहगढ़ जिला कारागार में मेमोरियल मिशन अस्पताल की ओर से बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 251 पुरुष और 28 महिला बंदियों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। कानपुर देहात से स्कूल संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रसूलाबाद कोतवाली के केकेडीएम स्कूल में गाड़ियों में एलपीजी गैस भराने का वीडियो सामने आया है। बदायूं में पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो से ज्यादा की अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही। पीलीभीत में रामलीला के पास बने गौशाला में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गौशाला में सैकड़ों गाय भूख प्यास से तड़प रही हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से गौशाला में गायों के लिए चारा की भी व्यवस्था नहीं है। बाराबंकी के नवाबगंज नगर पालिका परिषद ने समाजवादी पार्टी ने शीला सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लखनऊ में व्यापारियों से लाखों की लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने 13 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जालौन में निकाय चुनाव और ईद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई, जहां एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर गश्त की और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। राखी सावंत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। एक्ट्रेस का कहना है कि धमकी में उन्हें सलमान खान से दूर रहने की बात कही गई है। सचिन तेंदुलकर को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर पर गर्व है। अर्जुन ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी ओवर में 20 रन डिफेंड किए और 1 विकेट हासिल किया। इस तरह उन्होंने मुंबई इंडियंस की जीत में अहम भूमिका अदा की। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दिल्ली के साकेत में देश के दूसरे एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिनका टिम कुक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस स्टोर में 15 भाषाओं में ग्राहकों को सेवाएं दी जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माय भारत न्यूज।